हेलो दोस्तों, बिल्कुल नया वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सूर्जो और दोस्तों मेरे साथ है बिल्कुल नया एप्रिलिया का FXR 160। तो दोस्तों इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग आज जान लेंगे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है बिल्कुल नया FXR 160 एप्रिलिया की तरफ से। तो मैं आपको एक 360 डिग्री वॉक अराउंड दे देता हूँ कि ये एक्चुअली स्कूटर दिखता कैसा है। ये इसका साइड प्रोफाइल और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ये। दोस्तों सीरियसली ये स्कूटर बहुत ही बढ़िया दिखता है और स्पेशली दोस्तों आपको सामने की तरफ बहुत बड़ा एक बल्कि टाइप का स्कूटर ये दिखेगा। बहुत ही क्लीन डिजाइन है सामने की तरफ, आप देख सकते हो। अगर स्ट्रेट अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो हेडलैम्प सेटअप आप देख रहे हो, ये कम्प्लीटली LED हेडलैम्प सेटअप है दोस्तों। और इसमें आपको LED DRLs भी मिल जाते हैं दोनों ही साइड, यहाँ पे एक। बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही अपमार्केट दिखता है, प्रीमियम दिखता है दिखने में। तो दोस्तों सामने का जो 3 लैंप LED डिजाइन है, ये बड़े वाले एप्रिलिया 210 और RS से इंस्पायर किया हुआ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक्चुअली में। और अगर आप थोड़ा ऊपर आए तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्मोक्ड विंडशील्ड, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड इसमें इंस्टॉल किया गया है और ये एक्चुअली में काम भी करता है ठीक ठाक। और जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी भारी भरकम और बड़ा वाला ये दिखाता है। दोस्तों आप जब साइड से देखोगे तब यहाँ पे आपको दो दो अलग अलग पैनल्स मिल जाते हैं। ये तो इसका मेन बॉडी पैनल है ही, यहाँ पे आपको अलग टेक्सचर वाला पैनल मिल जाते हैं। ये थोड़ा मैट टेक्सचर है और यहाँ पे और एक पैनल दिया हुआ है, ये ग्लॉस टेक्सचर है। तो यहाँ पे तीन तीन आपको टेक्सचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एप्रिलिया का जो है वो सिंबलाइज दिखा जाता है कि इटालियन डिज़ाइन है। तो यहाँ पे ग्रीन रेड और वाइट का जो इटालियन फ्लैग है उसका सिंबलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे एप्रिलिया का ब्रांडिंग है और बहुत ही अच्छे से ये जो फ्रंट ओवरऑल एप्रन है ये बहुत ही अच्छे से मतलब दिखता है और बहुत ही बढ़िया दिखता है दोस्तों साइड प्रोफाइल से भी। अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी अगेन आपको तीन तीन अलग अलग टेक्सचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैट टेक्सचर मिल जाता है, ये पैनल जो है ये यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे ग्लॉस टेक्सचर और अगेन यहाँ पे फिर से वो ग्लॉस टेक्सचर का एक छोटा सा पैनल दिया हुआ है। काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है दोस्तों दिखने में। और यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट है तो ऐसे ओपन होता है, बिल्कुल फ्लश हो जा रहा है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट का। अब सामने की तरफ आपको टेलीस्कोपिक फोक शॉक अब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं बेटर हैंडलिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मड गार्ड का जो ओवरऑल डिज़ाइन है, इसमें भी काफ़ी सारे क्रीजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको ABS का लोगो है क्योंकि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। 160cc का इंजन है इसमें। बात करें अलॉय व्हील की तो अलॉय व्हील बिल्कुल अलग है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एक्चुअली ये दिखता है। आप देख सकते हो 5 स्टार मतलब एक स्टार की तरह दिखता है 5 स्पोक अलॉय व्हील से। और यहाँ पे आपको हल्का सा रेड कलर का स्टिकर भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये साइड भी आपको ABS लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 220mm का डिस्क ब्रेक मिलता है बाइब्रे की तरफ से, बाइब्रे के कैलिपर्स है। और आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, यहाँ पे ABS का रिम भी है दोस्तों। अब ये जो रिम है दोस्तों ये है 12 इंचेस का रिम, दोनों ही साइड आपको 12 इंचेस के रिम मिल जाते हैं। जो SR 160 है उसमें आपको 14 इंचेस के बड़े वाले रिम्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको 12 इंचेस के रिम ही मिल रहे हैं। और जो टायर प्रोफाइल है ये फैट टायर है दोस्तों, 120 सेक्शन का फैट टायर आपको मिल जाता है। ये MRF का जैपर है दोस्तों। तो ये पीछे का प्रोफाइल है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है, एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है दोस्तों। जो पीछे का सस्पेंशन आपको मिल जाता है ये एक मोनोशॉक सस्पेंशन तो है ही, तो इस पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है दोस्तों, तो आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको 12 इंचेस के रिम्स मिल जाते हैं और अगेन सेम 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है। अब इसमें पीछे आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है दोस्तों। बात करते हैं इसके इंजन की,
ये जो इंजन है ये सेम इंजन है दोस्तों जो कि SR 160 में आपको मिलता है। ये इंजन एक 160cc एयर कूल्ड 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है दोस्तों जो कि 11 PS का पावर और 11 NM का पीक टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो मतलब काफी हद तक एप्रिलिया का SR 160 जैसा ही है, क्योंकि दोनों में ही मतलब जो कंपोनेंट्स यूज किए गए वो काफी सिमिलर कंपोनेंट्स यूज किए हैं और इंजन भी दोनों एक ही इंजन शेयर करते हैं, तो परफॉर्मेंस भी मतलब आसपास 19-20 के आसपास ही है दोस्तों इसका। और पीछे जो ड्रम ब्रेक यूज किया है वो है 140 mm का ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों ये है इसका एग्जॉस्ट, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है क्योंकि एक्चुअली में बहुत बड़ा दिख रहा है ये साइज में। तो आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ से, इसमें भी दो दो टेक्सचर यूज किया है। ये ग्लॉस पैनल है और नीचे का मैट पैनल, तो दो दो पैनल इसमें यूज किया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नीचे है कैटलिटिक कन्वर्टर और ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों और बहुत बड़ा बल्क की लग रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक टायर हगर दिया हुआ है मिट्टी ऊपर ना उछलने के लिए, और ये भी काफी हद तक एक्सटेंड हो जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छा काम किया है एप्रिलिया ने दोस्तों। अब आते हैं इसके रियर सेक्शन पे, टेल सेक्शन पे। तो सामने काफी बल्की है और टेल काफी पतला है दोस्तों, ऐसे पॉइंटेड आउट हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मस्त ऐसे पॉइंटेड आउट हो जाता है। और इसका जो टेल लैंप है ये कम्प्लीटली LED टेल लैंप है और LED के ब्लिंकर्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे टचेस दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो LED लाइट के पास हेक्सागोनल छोटे छोटे क्यूब्स दिए हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी मतलब डक्स दिए हुए हैं, काफी अच्छा और मतलब रेसी लग रहा है दिखने में दोस्तों। ये है इसका पिलियन ग्रैब रेल, और पिलियन ग्रैब रेल जो है काफी अच्छा और स्टडी है। और यहाँ पे भी आपको 2 टेक्सचर्स मिल जाते हैं, ये आपको ग्लॉस फिनिश और ये आपका एक प्लास्टिक पैनल दिया हुआ है, ये मैट फिनिश में आ जाता है। और यहाँ पे आपको SR 160 का आपको लोगो मिल जाता है। तो सीट काफी अच्छा है दोस्तों, काफी बड़ा है और सीट में डिटेलिंग भी की है इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थ्रेडिंग है, तो यहाँ पे रेड कलर और व्हाइट कलर की थ्रेडिंग आपको दो थ्रेडिंग दिया हुआ है। और जो सीट की क्वालिटी है इसमें भी आपको दो टेक्सचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आप अगर आप छूओगे तो यहाँ पे मतलब एक अलग टाइप का टेक्सचर है और इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे अलग टाइप का टेक्सचर है। तो ये वाला जो अटेंशन टू डिटेल है ये काफी बढ़िया है, और जो सीट है वो काफी लंबा है, तो पिलियन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इवन ग्रैब रेल से भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं इसका स्टोरेज स्पेस कैसा है। पहले हम लोग बूट को ओपन करेंगे। बूट को ओपन करने के लिए आपको जो है वो की बाहर निकाल के यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐसे होता है ओपन बूट। अब जब बूट को ओपन करोगे आपको देखेगा यहाँ पे बूट लैम्प दिया हुआ है। रात के टाइम पे अगर आप कोई सामान ढूंढते हो तो ये जो बूट लैम्प है वो काफी हद तक मददगार हो सकता है। तो आपको एम्पल बूट स्पेस मिल जाता है, आप हाफ फेस हेलमेट आप इजीली इसमें लगा सकते हो, इवन कुछ कुछ फुल फेस हेलमेट भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो बूट स्पेस के मामले में काफी अच्छा है, काफी आपको अच्छा खासा स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। और इस पर्टिकुलर जगह पे आप कोई अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये वाला फीचर भी है। और जो टैंक है दोस्तों इसमें 7 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, यह है पेट्रोल का लिड। तो पेट्रोल का लिड जो है वो आपको कन्वेंशनल स्कूटर्स मतलब पुराने स्कूटर्स में कैसे ओपन करते हो, आपको बूट ओपन करने के बाद ही पेट्रोल का लिड आपको मिलेगा दोस्तों। एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप इसमें नहीं दिया गया है, वो एक चीज मतलब एप्रिलिया जो है वो दे सकती थी, क्योंकि बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उन सभी में मैक्सिमम एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप जो है वो फीचर आ गया है, तो इसमें कब तक आया देखेंगे। आपको जो फूड मतलब बोर्ड है, अब ये कहने को मैक्सी स्कूटर है बट फूड बोर्ड आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, तो दूर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो फूड बोर्ड जो है वो मतलब रेगुलर स्कूटर्स की तरह ही है। हाँ बस यहाँ पे हल्का सा ऐसे इंक्लाइन किया गया, तो आप अपने पैर को थोड़ा ऐसे खड़ा कर सकते हो बट आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता बिल्कुल, मतलब पैर आप अपने स्ट्रेच नहीं कर सकते एकदम एंड तक, वो एक ज़रूर से है दोस्तों। बूट स्पेस के साथ साथ सामने भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, इसके लिए आपको की इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। की इंसर्ट करने के बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा ऐसे लिटरली, तो प्रेस करने के बाद ये जो है आपके लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन या गॉगल्स को रख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको USB का सॉकेट मिल जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो ऑन द गो, तो ये एक अच्छी फीचर आपको मिल जाती है सामने की तरफ। तो
इसको क्लोज करने के लिए अगर आप ऐसे पुश करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अगेन इस पर्टिकुलर की को आपको पुश करना पड़ेगा, ऐसे दबाना पड़ेगा, तब ही मतलब ये ओपन होगा ऐसे। और यहाँ पे आपको लगेज कैरी या बैग कैरी करने के लिए एक कन्वीनियंस हुक दिया हुआ है। तो हुक जो है वो प्लास्टिक का बिल्ड किया हुआ है, ये एक है। तो दोस्तों इसका जो हैंडल बार है ये कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट प्लेस पे आपको जो है आप अपने हाथ को रख सकते हो। आप जब चलाओगे तो अपराइट पोजीशन में बैठोगे और हैंडल बार जो है वो रेज किया हुआ है। हैंडल बार आप देख सकते हो, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है हैंडल बार को कवर करने के लिए। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और पास का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे इग्निशन स्विच मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन के स्विच जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे मोड स्विच मिलता है जिसके द्वारा आप जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नेविगेट कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो। अगेन इस पे डुअल टोन फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे एपिलिया का अच्छा खासा लोगो है। यहाँ पे ग्लॉस फिनिश है, यहाँ पे अगेन मैट फिनिश है। तो ओवरऑल जो गाड़ी पे मतलब दो तीन तरीके के फिनिश यूज़ किए गए हैं, ग्लॉस और मैट दोनों के कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑल्दो एक चीज़ ज़रूर से है दोस्तों, जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब और भी अच्छा हो सकता था, और भी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि जो प्लास्टिक है दोस्तों आप देख सकते हो, प्लास्टिक जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया है यहाँ पे। तो मतलब हल्का सा चीपनेस जो है वो लग रहा है। और यहाँ पे भी पैनल गैप्स है, हल्के हल्के पैनल गैप्स आपको मिलते हैं। फिट एंड फिनिश जो है वो मतलब और भी थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव किया जा सकता था। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं। यहाँ पे ये ऑन किया, प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। यहाँ पे आपको इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यहाँ पे आपको नोटिफाई करता है, एबीएस का नोटिफाई करता है। यहाँ पे टेल टेल लाइट्स हो गया, यहाँ पे आपको टाइम बताता है, यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स, यहाँ पे ट्रिप बताता है, ट्रिप पे ट्रिप भी। यहाँ पे आपको आसपास का जो कितना डिग्री टेम्परेचर है वो बताता है, और बैटरी का वोल्टेज बताता है। यहाँ पे फ्यूल, और यहाँ पे अगेन आपको आरपीएम मिल जाता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मोड स्विच है दोस्तों, इसके द्वारा आप जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आपको कितना किलोमीटर जाएगा तो माइलेज इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी आपको सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ये वाला एक बहुत ही मतलब एक वेलकम मूव है एप्रिलिया की तरफ से। दोस्तों इस स्कूटर के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, बट वो ऑप्शनल है दोस्तों, उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। तो आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, और उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन पे, जिस पे आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे अपने व्हीकल का लोकेशन और सर्विस ड्यू, ये सब पूरे नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्टफोन में ही मिल जाएंगे। और आपके सोशल मीडिया से भी आप कंटेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको ब्लूटूथ में मिल जाते हैं इसके साथ, बट उसके लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसमें। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए एक बड़ा मैक्सी स्कूटर, तो ऑप्शन जो है वो काफ़ी कम है। एक सुजुकी बर्गमैन स्वीड है, और दूसरा एप्रिलिया का एसएक्सआर 160। इसका जो प्राइस है वो है एक्सशोरूम प्राइस 1,26,000, और ऑन रोड प्राइस जो है वो 1,50,000 है। और दोस्तों जो ऑन रोड प्राइस है और एक्सशोरूम प्राइस है वो मतलब थोड़ा चेंज हो सकता है, स्टेट टू स्टेट वो मतलब थोड़ा डिफर करता है। तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इस डीलरशिप के डिटेल्स जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इनसे भी आप पूछ सकते हो पूरा डिटेल्स इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा।